पहले मनु मां को एक घमंड था कि मेरे बराबर कोई नहीं है इस मार्केट में, जैसा मैं चाहूं वैसा होता है। दलाल स्ट्रीट में मैं चाहूं उस कंपनी को नीचे ला सकता हूं, जिसको चाहूं उसको ऊपर ले जा सकता हूं। सो आज है संडे और है राखी। सबसे पहले हम करने वाले हैं राखी का सेलिब्रेशन, तो चलो आप भी देख लो थोड़ा सा सेलिब्रेशन में क्या होता है। सृष्टि को फाइनली आज तो कैमरे में आना ही पड़ेगा क्योंकि राखी है। जल्दी आ जा सृष्टि। जयपुर वाले और देखते सृष्टि गिफ्ट क्या लेती है। आई थॉट कि वो खुद ले, अपने हिसाब से वो ज्यादा बेटर होने वाला है। तो आई होप आपको ये मजा आया होगा। सृष्टि आ जा, अभी तो कैमरे पे आ जा, हाय बोलते हैं लोगों। मैं सृष्टि को लाता हूँ सबसे पहले कैमरे पे। हाय सृष्टि, प्रणाम करो। अरे मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को तो हाई फाई कर दो। चलिए अब चलते हैं दादाजी के पास और उनसे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अभी ना दादाजी की कुछ दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, बट फिर भी उन्हें इतना एक्साइटमेंट होता है ना आपसे बात करने का कि उनको मज़ा आता है। तो थोड़ी सी आवाज़ धीरे लगी दादाजी की तो मान लीजिएगा, और उनकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले हेल्थ का पूछते हैं और फिर बातचीत करते हैं। दादाजी अब तबीयत कैसी है भाई आपकी? भाई अनंत ऐसा है, तबीयत तो हल्की है, लेकिन तुम्हारे जो इन्वेस्टर उनका प्यार देख करके मेरी इच्छा हो गई। तो कह रहा है मनाओ, तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। चलो अच्छा है। अब मनु माणक का जो मैं आपको पहले लिखाया था, पहला भाग में आपको पहले बता चुका, अब मैं आज आपको मनु माणक के बारे में दूसरे भाग के बारे में बता रहा हूँ। 1988 तक मनु माणक ने खूब अच्छा काम किया, खूब पैसा कमाया। सिर्फ एक रिलायंस के साथ उसने नुकसान खाया था। उसके जितने भी उसके चेले चाटी, जो मनु माणक जिसके सर पर हाथ रख देता था वही पैसे वाला हो जाता था, ये समझो। तो मनु माणक ने ऐसे चलते 88 के अंदर में हर्षद मेहता आया। हर्षद मेहता ने आने के बाद में सबसे पहले हर्षद मेहता ने इंडोल को परचेज किया। इंडोल इतना परचेज किया कि इंडोल के मार्केट में बहुत तेजी आ गई। तो मनु माणक और उसके जितना भी कार्टल थे, उसका एक तो राइट हैंड था राधाकृष्ण दमानी, लेफ्ट हैंड था राजकेश झुंझुनवाला, और उसके एक राजू कार्टेज था। ये तीन आदमी उनके खास थे, बाकी और जितने भी उनके वो जितने भी थे सब ने इंडोल को शॉर्ट किया और शॉर्ट मारते गए। जब इंडोल नीचे नहीं आया तो उन्होंने एक मार्केट में एक अफवाह फैलाई हर्षद कि हर्षद मेहता फेल हो रहा है, उसका इंडोल भी फेल हो जाएगा, इंडोल टूट जाएगा, सबको इंडोल बेच देना चाहिए। खूब चारों तरफ से अफवाह फैला दी। हर्षद मेहता को ये अफवाह मालूम पड़ गई, उसने भी अपने आदमियों को लगा दिया कि कोई इंडोल नहीं बेचे, इंडोल खरीदो और खरीदो, जिसको पैसा नहीं हो मेरे से पैसा ले जाओ, लेकिन इंडोल को खूब खरीदो। और इस तरह हर्षद मेहता ने इतना ज़ोर से किया प्रचार कि इंडोल और तेज़ हो गया, जिससे मनु माणक को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके कार्टल को पूरे को नुकसान हुआ। तो मनु माणक ने कहा कि हर्षद मेहता ये कौन पैदा हो गया, इसको पता लगाओ। तो 90 में जैसे हर्षद मेहता ने ACC उसका मेन था, उसके अलावा अन्य कुछ शेयर थे, उसमें तेज़ी आ गई, तेज़ी आने लगी। हर्षद मेहता सबको खींचता गया और मनु माणक को सब शॉर्ट मारते गए। अब क्या है कि हर्षद मेहता को पहले मनु माणक को एक घमंड था कि मेरे बराबर कोई नहीं है इस मार्केट में, जैसा मैं चाहूँ वैसा होता है। दलाल स्ट्रीट में मैं चाहूँ उस कंपनी को नीचे ला सकता हूँ, जिसको चाहूँ उसको ऊपर ले जा सकता हूँ। ये मनु माणक को एक अहम हो गया था, घमंड हो गया था, उसका अहम हर्षद मेहता ने ये आकर के दूर किया। अब हर्षद मेहता को एक अहम हो गया कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा लीडर हूँ, मैं कौन है, मनु माणक कोई नहीं है मेरे सामने, उसको भी एक घमंड हो गया। तो दोनों को उसको घमंड हो गया, तो वो भी परचेज करता गया। इधर मनु माणक और सब शॉर्ट सेल करते गए। इस शॉर्ट सेल और परचेज के अंदर में क्या हुआ कि इनको बड़ा मनु माणक के जितना भी ग्रुप है ना, उनको नुकसान लगने लग गया। नुकसान लग गया, वो सोच रहे थे क्या करें, क्या करें, कैसे करें, कैसे हर्षद मेहता का शेयर कैसे तोड़े। उस तोड़ने के लिए कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी चाहिए, उसके पास पैसे कहाँ से आता है ये पता लगाओ। तो उनको एक सोर्स मिल गया, अचानक एक SBI से उनसे 500 करोड़ रुपए उसने उठाए थे और वो पेमेंट किए नहीं थे, और उनको पता लग गया। तो उन्होंने जाकर के और सब इकट्ठे होकर, जितने भी एयर ऑपरेटर सब इकट्ठे हुए, उनने सुचिता दलाल को बुलाया, उसको कहा कि तुम एक है वो आर्टिकल लिखो पेपर में कि उसने 500 करोड़ रुपये स्टेट बैंक से उठाए हैं और अनियमितता से उठाए हैं, तो उसको उससे मालूम पड़ेगा। तो उसने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल लिखते ही स्टेट बैंक ने रुपये मांगे। इधर उसके रेट पड़ गई इनकम टैक्स की, उधर CB की इंक्वायरी आ गई, तो वो हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया और हर्षद मेहता के सब शेयर टूट गए। बॉम्बे वाले कहते हैं कि यदि 7 दिन हर्षद मेहता के शेयर नहीं टूटते तो यहाँ से 5-7 जो ऑफिस हैं इनकी उठ जाती,
इतनी इतने जबरदस्त हर्षुकता ने मार्केट को कैप्चर कर रखा था। सिर्फ सात दिन में बैंड बज जाती सबकी, सात दिन में सबकी बैंड बज जाती है, दुकान पाँच सात दिनों के तो दुकानें उड़ जाती, जिसमें तुम्हारे ये जो राधाकृष्ण दमानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिंदगी में अभी मैं कभी शॉर्ट सेल नहीं करूँगा, सिर्फ अच्छा सेल होगा तो उसको लेके रख लूँगा, अच्छा सेल आएगा तो, लेकिन शॉर्ट सेल कभी नहीं करूँगा जिंदगी के अंदर में, राधाकृष्ण दमानी ने तो यहाँ तक कह दिया था। उसके बाद में फिर जब उनको खूब कमाई हुई तो फिर और ठोकने लगे, फिर और उन्होंने मंदी मारी, फिर जब उन्होंने खूब अच्छा कमाया, हर्षद मेहता ने कमाया, राधाकृष्ण दमानी ने कमाया, मनु माणिक ने, राधाकृष्ण दमानी ने और ये राकेश झुनझुनवाला ने, तीनों ने खूब पैसा कमाया। नहीं, लेकिन मनु माणिक तो खत्म हो गया था उस समय तक। मनु माणिक कहाँ खत्म नहीं हुआ था, मनु माणिक में फिर कमाया, फिर शॉर्ट मारा। अब बेचारा आज मनु माणिक की अपने को बुराई नहीं करनी चाहिए, वो मर चुका है, उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अपने को उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, अपन को किसी की बुराई क्यों करनी है। लेकिन एक बात बताऊं, मनु माणिक ने किसी इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को कमाने नहीं दिया। मनु माणिक के कारण छोटे इन्वेस्टरों को तो हमेशा नुकसान लगा बेचारों को, क्यों? मनु माणिक जब भी चाहता जिस शेयर को तोड़ देता, जिसको अच्छी चाहे वर्थ हो उसकी, उसको भी तोड़ देता, तो छोटे इन्वेस्टर उससे बेच के निकल जाते, उनको नुकसान लगता था। बड़े वाले हाथियों को तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन छोटे इन्वेस्टरों को मनु माणिक ने कभी कमाने नहीं दिया। लेकिन मनु माणिक ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया वो लखपति करोड़पति अरबपति बन गया, ऐसा है मनु माणिक का। अब इसको, अब हर्षद मेहता को घमंड हुआ, पहले मनु माणिक को घमंड हुआ, फिर हर्षद मेहता को घमंड हो गया, फिर उसके बाद फिर मनु माणिक को घमंड हो गया कि मैं देखो मैं वापस आ गया मार्केट में। तो इसकी एक छोटी सी, एक भगवान विष्णु के पास में एक दिन नारद जी गए, नारद जी को बड़ा अहम हो गया कि मैं भगवान विष्णु आपका सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम ये घमंड मत करो, तुम ये मत कहो तुम सबसे बड़े विष्णु भगत हो, तुम मेरे भगत हो, ये बात पक्की है। नहीं भगवान, आप मेरे से बड़ा कोई आपका कोई भगत ही नहीं है। तो भगवान ने कहा, तुम एक काम करो, तुम रामपुर गांव में जाओ और वहाँ पर एक मोहन किसान है, उसको जाके देख के आओ पहले। तो नारद जी वहाँ से सीधे रामपुर गांव आए, मोहन किसान के घर में चुपके से छुप गए और देखने लगे। मोहन किसान क्या करता था, सुबह उठते अपनी माँ के चरण छूता और अब खेत में जाता, नारायण नारायण दो बार बोलता, फिर खेत में पहुँच के नारायण नारायण बोल लेता, फिर खेत तो जोतता कभी बीच में नारायण नारायण बोल लेता, फिर शाम को घर आता नारायण नारायण बोलता, फिर माँ के पैर छू करके फिर माँ के पास बैठ जाता, नारायण नारायण बोलता। तो नारद जी देख के आ गए, आके भगवान विष्णु का, क्या भगवान आपने मेरे को भेजा उसके पास में, वो तो सिर्फ आपके दिन में 50 नाम ही नहीं लेता, मैं तो आपके कितने दिन बड़ नारायण नारायण ही करता रहता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, थोड़ा दिन बाद आना फिर बताऊंगा। थोड़ा दिन बाद नारद गया वहाँ पर, तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद एक काम है, आज ये कलश है, इस कलश में अमृत भरा हुआ है, इसको महादेव को तुम ले जाइए कैलाश पर्वत के ऊपर दो, और इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, लबालब भरा हुआ है। नारद लेके चलो अमृत लेकर कलश चला के चला हुआ, अब वो कलश जहाँ भी झलकता नारद रुक जाता, नारद का ध्यान उस कलश के ऊपर ही रहता कि अमृत कहीं छलक नहीं जाए नीचे। ऐसे करते करते नारद शाम को वहाँ पर कैलाश पर्वत पहुँचा, शिव जी को कलश दिया, फिर वापस विष्णु भगवान के पास आया। विष्णु भगवान ने कहा, नारद दिया है कलश? हाँ साहब, हाँ दिया है भगवान, क्यों आज तुमने मेरे कितने नाम लिए? अरे साहब भगवान, आज तुम्हें नाम कहाँ से लेता, आपने काम ही ऐसा बता दिया था कि मेरा ध्यान ही कलश के उस पर था, अमृत पर, कि अमृत नीचे नहीं टिपक जाए, मैं वहीं देखता रहा, मैं आपका नाम कहाँ से लेता। बस नारद यही बात उस मोहन की है, वो रामपुर में जो मोहन रहता है बेचारा अपना परिवार पालता है, सबको खिलाता है, सबको दिन भर काम करता है, फिर भी मेरा नाम लेता है, इसलिए कभी कंपेयर मत करो कि मैं बड़ा हूँ, तुम मेरा भक्त है, ये बात बड़ी है। इसी तरह जब हर्षद मेहता ने ये किया कि मैं बड़ा हूँ, तो वो भी नीचे आ गया। इसलिए कभी अहम नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सो आज है संडे और है राखी, आपने हमारी राखी तो देख ली, पर अभी आए हुए हैं ताऊ जी, मतलब जो हमारे पंडित जी है ना, वो आए हुए हैं, उनके साथ जाते हैं और उनके साथ मनाते राखी। चलिए मैं आपको भी कुछ झलके दिखाता हूँ। सो कानन के आज के दिन खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, 3 दिन में कानन जाने वाली है जोधपुर, क्या हैप्पी हो कानन? बहुत हैप्पी। बोर हो जाओगे बेटा, क्या करोगे जाके? मैं 5 महीने के लिए जा रही हूँ, 5 लॉन्ग मंथ्स। ओह माय गॉड, ये देखो पूरी की पूरी इसकी जो बोलते हैं ना
सारे के सारे वार्डरोब्स एकदम खोल रखी है, सारी की सारी पैकिंग चालू है, आई थिंक पता नहीं है पूरा का पूरा घर लेके जाने वाली है वहाँ पे। मैं सिर्फ लेके नहीं जा रही हूँ, मैं एक बार सब कुछ सही करके रख रही हूँ, फिर जो ले जाना है वो ले जा रही हूँ। और तुमको पता है मुझे आज दो ऐसी साड़ीज मिली जो मुझे पता भी नहीं था मेरे पास है। बताओ इतनी शॉपिंग कर लेते हैं लोग कि इनको खुद को ही नहीं पता कि इनके पास है क्या नहीं है, मतलब हद हो गई यार। वो दूसरे किट में पड़ी थी, मैंने तो आज किट खोला, और मैं अगर मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी इतना गुस्सा होगी क्योंकि मैंने, ये तो क्या है बाय एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी हो गई, बाय करो और फॉरगेट कर जाओ। देखो बाय एंड फॉरगेट ना लाइफ में काम आता है ना इक्विटी शेयर मार्केट में काम आता है, इस चीज को आप सभी ध्यान रखिएगा। दोनों ही जगह बाय एंड फॉरगेट करना भूल जाओ, मतलब फिर बाद में पता चले कुछ तो कचरा हो गया होगा, कुछ अब यूज नहीं कर सकते, कुछ को चूहे खा गए होंगे, ऐसा ही हाल होता है शेयर मार्केट में भी। क्यों कानून? हाँ मेरे को नहीं पता था मेरे पास ऐसे कलर की साड़ी है, मैंने मम्मी को बोला आपने मुझे एक भी ऐसी साड़ी नहीं दी कलर। और देखो वापस से वो रिपीट कर ली, पता चला डबल हाँ, डबल हो तो गई। फिर मम्मी ने मेरे को ऐसे ऐसे कलर की भेजी साड़ी। वेस्टेज ऑफ मनी, चाहे लाइफ हो चाहे इक्विटी शेयर मार्केट हो, बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी अप्लाई करी तो ऐसा ही कुछ हाल आपके साथ भी होने वाला है। ये देखो मैं फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ और मैं मम्मी को बताऊंगी भी नहीं ये बात। अब वो तो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा ना, वो अनंत का फंडा तो एक नहीं देखती, व्लॉग सारे देख लेती है। अनंत मंडल को कुछ समझ में तो उनको कुछ काम का ही नहीं है वो क्यों। ठीक बात है।